हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऑपरेशन रिसर्च। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने जो देखा था लेक्चर वन में ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन रिसर्च वर्ल्ड में कब आया था फर्स्ट टाइम, और इंडिया में हमारा ये कब यूज हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो अपना मेन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स में स्टूडेंट्स क्या लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, अ मॉडल विच इज यूज फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज टू कंप्लीटिंग प्रोडक्ट और एक्टिविटीज अंडर सर्टेन एजेंशन, सर्टेनिटी, लीनियरिटी, फिक्स टेक्नोलॉजी एंड कॉन्स्टेंट प्रॉफिट पर यूनिट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। शुरू में सबसे पहले तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मीन्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर एक वेरिएबल है तो ये आपका सेकंड वेरिएबल है, ठीक है। एक वेरिएबल है एंड सेकंड वेरिएबल है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से एक लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए। एक लीनियर रिलेशनशिप दोनों के बीच में इस तरीके से होनी चाहिए। सो ये क्या है, मीन्स व्हाट, जब बी में चेंजेस होंगे तो बी में चेंजेस होने पर ए में भी सेम चेंजेस होंगे, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, एक तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। सो लीनियर रिलेशनशिप मीन्स सेम चेंजेस के लिए ए में भी सेम चेंजेस होंगे, इसी तरीके से इनके सेम चेंजेस के में यहाँ पर भी सेम चेंजेस होंगे, इसी तरीके से यहाँ पर सेम चेंजेस में इनके बीच में भी यहाँ पर सेम चेंजेस होंगे। सो ये क्या है स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं लीनियरिटी, यानी कि लीनियरिटी, अ मॉडल विच इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर और लिमिटेड रिसोर्सेज टू कंप्लीटिंग प्रोडक्ट और एक्टिविटी अंडर सर्टेन एजेप्शन सच एज सर्टेनिटी, लीनियरिटी, फिक्स टेक्नोलॉजी एंड कॉन्स्टेंट प्रॉफिट पर यूनिट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू सेट ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट। इट इज अ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विच एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज टू अचीव एन ऑब्जेक्ट। इट इज पायनियर्ड बाय जॉर्ज डेंटिच इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हु डेवलप्ड वर्कएबल सोल्यूशन इन 1947 कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें क्या होता है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स यहाँ पर होता है एनी लिमिटेशंस, एनी लिमिटेशंस जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कंडीशंस। इट इज अ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मीन्स बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन थ्रू विच वी कैन ऑप्टिमाइज और अवर प्रॉफिट और कॉस्ट, विच एलोकेट अ स्केयर रिसोर्सेज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। इट वॉज पायनियर्ड बाई जॉर्ज डेंटिस, कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अ सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल, अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स में सबसे पहला जो आपका है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अ सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स हमें क्या, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो दो दो तरीकों के लिए बात करेंगे, आइदर प्रॉफिट और कॉस्ट। तो प्रॉफिट यानी मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव इज, मेन ऑब्जेक्टिव इज जो आपका होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, एंड कॉस्ट, कॉस्ट इज व्हाट, कॉस्ट इज मिनिमाइज। सो दिस इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज
प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज और कॉस्ट इज मिनिमाइज। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है, इट डिनोट द ऑब्जेक्टिव इन रिजल्ट टू बी अचीव आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टन एक्टिविटीज विद द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अवेलेबल। इट डिनोट द ऑब्जेक्टिव एंड इन रिजल्ट, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है कि हम या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या मैक्सिमाइज करेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो क्या मिनिमाइज करेंगे? कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो हम लोग जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। इट डिनोट द ऑब्जेक्टिव इन रिजल्ट टू बी अचीव आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज विद द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अवेलेबल। डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल डिनोट्स वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कॉन्स्टेंट्स आर रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू रिक्वायरमेंट, हेंस एलोकेशन ऑफ वेरियस स्केयर रिसोर्सेज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अंडर रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स यानी कि ए बी सी डी डीज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स मैन, डिफरेंट टाइप्स के जो रिसोर्सेज आपके यहाँ होंगे, मैन मशीन्स, मैन मशीन्स मटेरियल, मटेरियल एंड मनी, ये दीज आर द व्हाट, दीज आर द रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द मेन रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैन मशीन्स मटेरियल एंड मनी, दीज आर द वेरियस, दीज आर द वेरियस रिसोर्सेज, दीज आर द वेरियस वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स डिनोट्स वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कॉन्स्टेंट्स आर रिस्ट्रिक्शंस टू बी ड्यू टू रिक्वायरमेंट, हेंस एलोकेशन ऑफ वेरियस स्केयर रिसोर्सेज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। So, student component of linear programming model is an objective function, a set of decision variables, a set of constraints. Objective function, it denotes the objective end result to be achieved after performing certain activities with the use of scarce resources available. Decision variables denote the various activities to be performed and constraints. So, students, यहाँ पर हमने कितनी चीजें देखी? चलिए, अच्छा, assumptions in linear programming model, there are different types of assumptions in linear programming model. Deterministic models, deterministic models means what? Students, linear programming models के questions को करने के लिए हमें कुछ assumptions को follow करना पड़ेगा। These assumptions are deterministic models. Deterministic models means decision making environment is deterministic, means all coefficient of decision variables in the objective function and constraints expressions are known and finite. Decision making environment is deterministic, all coefficients of decision variable models variables in the objective function and constraints are known, means we have results known. Certainty means deterministic models means what? All decision making environment is deterministic. All coefficients of decision variables in the objective functions, objective function and constant expression are known and finite. Linearity, objective function and resources constant must be expressed as a set of linear function of decision variable. Fixed contribution rate of decision variable to objective function. Fixed linearity means वही कि एक variables का दूसरे variables के बीच में linearity होनी चाहिए. Means fixed contribution rate of decision variable to objective functions. Fixed technology, worker efficiency, homogeneous output for planning horizons. Additive, total profitability and the total amount of each resources utilized would be exactly equal to the sum of the respective individual amount. Thus, the function or the activities must be additive and the interaction among the activities of resources does not exist.
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन वेरिएबल्स मीन्स वॉट ऑल डिसीजन पैरामीटर एंड द वेरिएबल्स आर अज्यूम टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन अदर वर्ड द ऑकरेंस ऑफ एनी वन वेरिएबल्स रूल्स आउट द साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ अदर सच वेरिएबल्स ऑल डिसीजन पैरामीटर्स एंड द वेरिएबल्स आर अज्यूम टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन अदर वर्ड्स द ऑकरेंस ऑफ एनी वन वेरिएबल्स रूल्स आउट the simultaneous occurrence of others variables this divisibility continuity of decision variables may be assigned fractional values that is they need not necessarily always be in whole numbers thus the continuous values of decision variables and resources must be permissible in obtaining an optimal solution Variable may be assigned fractional values, that is, they need not necessarily always be in whole numbers. Thus, the continuous values of decision variable and resources must be permissible in obtaining an optimal solution. Non-negative decision variables, जो वेरिएबल्स होंगे वो दीज आर नॉन नेगेटिव मीन्स जो वेरिएबल्स होगा जैसे कि मैंने अगर ए वेरिएबल्स दिया है यहाँ पर जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर ए वेरिएबल्स लिया है तो ये ग्रेटर देन एंड ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसी तरीके से अगर हमने बी वेरिएबल्स लिया है तो दिस इज आल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो देयरफॉर नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स इन बिहेवियर रियल क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव फाइनाइटनेस लीनियर प्रोग्रामिंग अज्यूम टू बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड कॉन्स्टेंट विच इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द बेस्ट और द ऑप्टिमल सोल्यूशन Linear programming assumes the presence of a finite number of activities and constant without which it is not possible to obtain the best or optimal solution. So, and single state decision problem properties students अभी हमने जो देखा यहाँ पे assumptions of linear programming model यानी कि क्या क्या assumptions होने चाहिए deterministic models linearity additive mutually exclusive decision variables divisibility and continuity of decision variables non-negative decision variables finiteness itni cheeze honi chahiye deterministic means jo result jo environment hai wo deterministic hona chahiye linearity yani ki ek jo relation hoga ek variables ka dusre variables ke beech mein wo linearity hona chahiye additive The total profitability and the total amount of each resources utilized would be exactly equal to the sum of the respective individual amount. Thus, the function or the activities must be additive, and the interaction among the activities of the resources does not exist. Mutually exclusive decision variables, all decision parameter, and the variables are assumed to be mutually exclusive. In other words. The occurrence of any one variables rules out the simultaneous occurrence of other such variables. Divisibility continuity of decision variables. Variables may be assigned fractional values. That is, they need not necessarily always be in whole numbers. Thus, the continuous values of the decision variables and the resources must be permissible in obtaining an optimal solution. Non-negative decision variables in behavior of real quantities cannot be negative and finiteness. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो यहाँ पर देखा है वो कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स लीनियरिटी एडिटिव मॉडल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसीजन वेरिएबल्स डिविजिबिलिटी कंटिन्यूटी ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स नॉन निगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स एंड फाइनाइटनेस तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देखा है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स लीनियरिटी एडिटिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन वेरिएबल्स एंड नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल एंड फाइनाइटनेस चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स लिमिटेड रिसोर्स जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग की मॉडल प्रॉब्लम को करेंगे देयरफॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लेबर मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट And student, what finished product? यानी limited resources यानी कि जो भी किसी product में जो limited resources होते हैं, उनको
लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड फाइनेंस, ये लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड होने चाहिए मतलब कि हमारे पास जो बजट की शॉर्टेज होगी, जो बजट हमको अवेलेबल होगा वो लिमिटेड होगा। ऑब्जेक्टिव रिफर टू दी एम टू ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, यानी कि रिफर टू दी एम टू ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट और मिनिमाइज दी कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शुड बी, स्टूडेंट जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट ऑलवेज एंड ऑलवेज मैक्सिमाइज एंड कॉस्ट, कॉस्ट इज व्हाट इट ऑलवेज एंड ऑलवेज मिनिमाइज। सो ऑब्जेक्टिव इज रिफर टू द एम टू ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द कॉस्ट। लीनियरिटी चेंजेस इन लीनियर इनपुट विल हैव अ प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट, मीन्स लीनियरिटी, लीनियरिटी मैंने अभी आपको बताया, अगर ये एक वेरिएबल है और ये आपका दूसरा वेरिएबल है तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स अगर एक में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसी तरीके से दूसरे में भी चेंजेस होने चाहिए। ये आपका एक वेरिएबल, ये आपका सेकंड वेरिएबल। होमोजीनियटी, द प्रोडक्ट वर्कर इफिशियंसी एंड मशीन्स आर अज्यूम टू बी आइडेंटिकल, द प्रोडक्ट वर्कर इफिशियंसी एंड मशीन्स आर अज्यूम टू बी आइडेंटिकल, मीन्स होमोजीनिटी होगी। होमोजीनिटी यानी कि अभी मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी कंटिन्यूटी ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, वेरिएबल में बी असाइन फ्रैक्शनल वैल्यूज दैट इन दे नीड नॉट नेसेसरली ऑलवेज इन होल नंबर्स, दे शुड बी इन फ्रैक्शनल। सो होमोजेनिटी इज व्हाट द प्रोडक्ट वर्कर इफिशियंसी एंड मशीन्स आर एज्यूम टू बी आइडेंटिकल। डिविजिबिलिटी, इट इज एज्यूम दैट द रिसोर्सेज एंड डिवाइडेड डिविजिबिलिटी, इट इज एज्यूम दैट रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू फ्रैक्शंस, इन केस द फ्रैक्शंस आर नॉट पॉसिबल लाइक प्रोडक्शन ऑफ वन थर्ड ऑफ ए कंप्यूटर और मॉडिफिकेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग कॉल्ड इंटर प्रोग्रामिंग कैन बी यूज्ड। सो स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड दैट द रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू फ्रैक्शंस, दैट इज the fractions are not possible like production of one third of a computer and modification of linear programming called integer program cannot be used। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर देखा प्रॉपर्टीज ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। तो स्टूडेंट्स और लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स में प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस, ऑब्जेक्टिव, लीनियरिटी, होमोजीनियटी एंड डिविजिबिलिटी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। सो स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको फिर से रिवाइंड करा दे रहा हूँ कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स में अ मॉडल विच इज यूज फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर और लिमिटेड रिसोर्सेज टू कंप्यूटिंग प्रोडक्ट और एक्टिविटीज अंडर सर्टेन अजम्पशन सच एज सर्टेनिटी, लीनियरिटी और फिक्स टेक्नोलॉजी एंड कॉन्स्टेंट प्रॉफिट पर यूनिट इज लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट, इट इज अ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विच एलोकेट्स स्केयर रिसोर्सेज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। इट वॉज पायनियर्ड बाई जॉर्ज डेंटिस इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हु डेवलप्ड वर्केबल सोल्यूशन इन 1947 कॉल्ड सिंप्लेक्स मैथड्स। कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स इज वॉट एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अ सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल, अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इट डिनोट द ऑब्जेक्टिव इंड रिजल्ट टू बी अचीव्ड आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज विद द यूज ऑफ स्केयर और रिसोर्सेस अवेलेबल। डिसीजन वेरिएबल्स डिनोट्स वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म विद इन टू अचीव परफॉर्म टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कॉन्स्टेंट्स आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू रिक्वायरमेंट एंड देन एलोकेशन ऑफ वेरियस स्केयर रिसोर्सेज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। सो स्टूडेंट इस तरीके से हमने कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, एजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स
एंड प्रॉपर्टीज को देखा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट।